हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ड्यूटी ब्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है, मेरा पोस्टिंग हेल्थ चेकअप ड्यूटी में है। तो फिलहाल अभी जा रही हूँ मैं चाय पीने के लिए। चाय पी के मैं आती हूँ, फिर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगी, ठीक है, कि क्या होता है यहाँ पे, क्या नहीं होता है, मतलब आप लोग के लिए ही होता है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। गाइस, अभी आ गया सुबह सुबह हम लोग कैफेटेरिया, और यहाँ से हम लोग ले लिए लेमन टी, और ये रहा हमारा जीरा बिस्किट रोटी। हे गाइस, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसका हेल्थ चेकअप यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हेल्थ चेकअप का प्रोसेस क्या है मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगी, ठीक है। तो पहले तो आपको आगे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिएगा, उसके बाद कहाँ जाना होगा आपको मैं बताती हूँ। आपको आना है रूम नंबर 6, जहाँ पे आपका हाइट और वेट मेजरमेंट होगा, ठीक है। यहाँ वेइंग मशीन जिसमें आपका वेट मेजर होगा, और ये है हाइट का, जिसमें हाइट मेजर होगा। अब बात उठता है कि हाइट कितना हो जाए, ठीक है। तो हाइट आपका जो भी मेल है उसका कम से कम 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं वेट है, उसमें आपका कम से कम 45 kg होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस मतलब जॉब के लिए, ठीक है। और अगर फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो उसका वेट 38 kg के अप्रोक्स मतलब होना चाहिए, और जो हाइट होता है वो भी 140 के मतलब 140 या 145 के अप्रोक्स, 140 से 145 के अप्रोक्स फीमेल का होता है, ठीक है। सेम ही रूम में बगल में आपका ईसीजी होता है, ठीक है। हाइट वेट मेजरमेंट होने के बाद आपको ब्लड सैंपल लेने के लिए जाना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि ब्लड सैंपल कहाँ देना है। नंबर है जहाँ पे आपको ब्लड सैंपल देना है, आपका ब्लड सैंपल देना है, ठीक है। यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, यहाँ पे आप ब्लड सैंपल दीजिएगा। उसके बाद आप चले जाइएगा, जैसे आपका ब्लड टेस्ट होगा, नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करके आप आइएगा, उसके बाद आपका ECG होगा, ठीक है। तो ECG कहाँ होगा चलिए दिखाते हैं। उसके बाद आप ECG करवाने के बाद रूम नंबर 5 और 7 दोनों में डॉक्टर बैठते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है चिकित्सक कक्ष, ठीक है। वहाँ पे आगे आपको दिखाना है, सर कुछ कुछ बातें पूछेंगे, आपको जवाब देना है। उसके बाद आपको वेट करना है 11 AM तक, जबकि आई डॉक्टर आएंगे, ठीक है। तो आई डॉक्टर कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे आपका ECG और हाइट वेट हुआ है वहीं पे आई डॉक्टर बैठेंगे। तो वहाँ पे आपको लाइन लगना है, फिर सीरियल वाइज आपका आई चेकअप होगा, उसके बाद आपको पेपर सबमिट करना है, क्योंकि अगर आपने पेपर लेके चला गया तो आपका जो रिजल्ट आएगा हमें पता कैसे चलेगा, मतलब आप पेपर ही लेके चले जाइएगा, तो इसलिए पेपर जमा करना है, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। और अगर BP का बात करें कि आपका BP रेशो कितना होना चाहिए, तो कम से कम 140/90, ठीक है। ये हमारा एक बॉर्डर लाइन है, बट इससे नीचे होना चाहिए BP, क्योंकि वो तो एज के हिसाब से डिपेंड करता है ना कि कितना। अगर आप यंगेस्ट है, 22, 23, 24 एज हो रहा है, तो 140 बहुत ज़्यादा BP है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो ये अगर आप प्रिवेंट के लिए बात करें कि आप यहाँ आने से एक दिन पहले जरूर एक बार दिखा के आइए कि आपका BP, शुगर क्या है, क्योंकि जो ब्लड रिपोर्ट आएगा उसमें भी जो जो टेस्ट होता है उसका एक हम लोग को सीक्वेंस दिया गया है कि इस रेशियो तक ही हम लोग ले सकते हैं। और अनफिट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जॉब ही नहीं करने दिया जाएगा, आपके लिए अनफिट किया जाता है ताकि आप ट्रीटमेंट लें, उसको रिव्यू बोलते हैं, अनफिट नहीं बोलते, रिव्यू में डाला जाता है, ताकि आप 1 सप्ताह 15 दिन 1 महीना में ट्रीटमेंट करवा के अपना आइए, उसके बाद फिर से फिट हो जाइए। तो आई होप आप लोग के ये ब्लॉग बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।